हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। अभी मैं आपको तो बता दूं, अभी हम यहाँ से आ रहे थे तो हमारे बगल में एक पार्क दिखा हमको, तो काफ़ी अच्छा पार्क लगा यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने बाइक लगा रखी है साइड में अपनी बाहर से, और एंट्री गेट भी बंद थे पार्क के दोनों साइड के। फिर हम इसमें साइड से ये वॉल से इससे क्रॉस करके ऐसी जंप करके अंदर आए हैं। ये देखिए गाइस, दोनों साइड से गेट बंद हैं। और मैं आपको दिखा दूँ बैक कैमरा, ये देखिए गाइस, ये हमारी गाड़ी खड़ी है और यहीं से ही हमने जंप करके अंदर आए थे। तो और आप देख सकते हैं काफ़ी सुंदर पार्क है यहाँ पे। बहुत ज़्यादा जो मूर्तियाँ हैं बहुत एकदम ऐसी बनाई गई हैं, बिल्कुल रियल गाइस, आप देख सकते हैं। देखिए मोहित भाई भी बैठे हुए हैं यहाँ पे, अपना फ़ोन ऑन पे चला रहे हैं। और ये देखिए गाइस, कितनी सुंदर यहाँ पे मूर्तियाँ बनाई गई हैं। चिपको आंदोलन से रिलेटेड यह पार्क है। ये देखिए काफ़ी सुंदर, यहाँ पर बैठने की सुविधा भी काफ़ी अच्छी है, आप सुबह शाम आराम से यहाँ पर बैठ सकते हैं, इस पार्क का पूरा एंजॉय ले सकते हैं। ये देखिए गाइस, कैसे यहाँ पे दिखाया गया है कि औरतें पेड़ों से चिपक गई थी कि पेड़ों का कटान रोकने के लिए। ये देखिए हाथ वाथ यहाँ पे पेड़ से ऐसे बनाए गए हैं कि पूरी पेड़ को सुरक्षित रखने के लिए। इस प्रकार का उस समय प्रयास किया गया था वहाँ पे महिलाओं के द्वारा, जो फिर जिसका नाम रखा गया है चिपको आंदोलन से यह फेमस हुआ। ये देखिए काफ़ी खूबसूरत यहाँ का, यहाँ से व्यू भी काफ़ी मस्त आप देख सकते हैं, जहाँ तक आपकी नज़र पहुँच रही है दूर दूर तक पहाड़। ये देखिए गाइस, कैसे बंदा कुल्हाड़ी लेके काटने आ रहा है और औरतों ने कैसे पेड़ को घेर रखा है, ये हमको साफ देख के समझ में आ रहा है कि उस समय क्या हुआ था, कैसा सीन हुआ था, क्यों इसका नाम चिपको आंदोलन पड़ा। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं सारी डिटेल, यहाँ पे सब कुछ लिखा गया है। पर्यावरण रक्षा के लिए चिपको आंदोलन की व्याख्यान नीचे आप वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं। और बाकी एक देख सकते हैं इस टाइप के कुछ योगा टाइप बना रखे हैं। तो दोस्तों काफ़ी मस्त है यहाँ पे, आइएगा तो बैठिएगा ज़रूर यहाँ पे इस पार्क में, बहुत मस्त यहाँ का व्यू है, बहुत ही सटीक। और अभी हमने निकलना है गोपेश्वर, मिलते हैं आगे आपसे। ओके बाय बाय। हेलो 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 दोस्तों, सबको हेलो, कैसे हो सब। यार थकते बहुत, हालत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है बहुत ज़्यादा। तो फाइनली हम सुबह कर्णप्रयाग से निकले थे 9-10 बजे के आसपास, लेट हो गया था। तो अभी जाके हम पहुँचे हैं यहाँ पर गोपेश्वर में, गोपेश्वर। तो अब इससे आगे जाने की बिल्कुल हिम्मत नहीं आ रही है, जाना तुंगनाथ था, सोचा जाएंगे शाम को वापसी हो जाएगी, बट यहाँ पता चला कि तुंगनाथ मतलब वो तो मैं पहले गया हूँ एक बार, लेकिन वो कह रहे थे कि काफ़ी लेट हो जाएगा, तो आज यहीं रूम ले रखा है। तो मैं आपको दिखा दूँ गोपेश्वर में अलका लॉज करके है, यहाँ पे रूम ले रखा है, अच्छी जगह है। बाकी काफ़ी थक चुके हैं, मोहित भाई भी अंदर लेते हैं आराम कर रहे हैं, अब मैं भी जाता हूँ भाई थोड़ा सो लेते हैं। बाकी शाम को अभी 2 घंटे सोना है, अभी भी शाम को उठेंगे तब जाके जाएंगे गोपेश्वर, घूमेंगे क्या है क्या नहीं है। खादी भाई यहाँ आराम कर रहे हैं, लाइट करना, ये हमारा रूम है, ये डोले सोले सही है भाई के, और जो भी है। तो ये रूम है, अभी आराम करते हैं बढ़िया से, अभी लाइट नहीं है मेरे को लग रहा है, थोड़ी देर 2-3 घंटा सोएंगे, शाम को 4-5 बजे उठ के घूमेंगे गोपेश्वर, पूछेंगे क्या है अच्छा क्या है देखने लायक यहाँ, तो थोड़ा गोपेश्वर घूम लेंगे। और भाई और कुछ नहीं है, रूम का मेरे को टीवी का लग रहा है, तो ये टीवी की बात कर रहा था मैं, टीवी ऐसा टेढ़ा उड़ गया ऐसा लग रहा है, कभी छोड़ा चले गए। टीवी है बाकी अच्छा, गीजर वाला वाशरूम वॉशरूम वगैरह सब कुछ बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं। बाकी ये हमारा सामान वगैरह पड़ा है, आप सोएंगे आराम करेंगे, मिलेंगे बाद में, बाय बाय। कुछ होगा आगे दिखाने लायक दिखाएंगे।